हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहित कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक मेटल से रिलेटेड स्टॉक बताऊंगा जिसने 1 ईयर्स में बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है। 250% तक का इसने रिटर्न दिया है और जो जिसका नाम है भाग्यनगर इंडिया। भाग्यनगर इंडिया ये इसके कंपनी का नाम है, भाग्यनगर इंडिया, जिसका प्राइस अभी 51 रुपीज़ चल रहा है। इसका प्राइस अभी 51 रुपीज़ चल रहा है। तो पहले हम इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है देखो भाग्यनगर इंडिया, ये भाग्यनगर इंडिया है और इसका जो मार्केट कैप अभी है वो मार्केट कैप 165 करोड़, 165 करोड़ है। और जिसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 51 रुपीस, और जो स्टॉक का पीई है वो 97 है, और डिविडेंड यील्ड ये नहीं दे रही है, और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है, 4.95 है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी 0.73 है। और इसका जो डिबेट है इस पर वो 91 करोड़ का है, यानी कि जो कर्जा है वो 91 करोड़ का है, और रिटर्न ओवर 1 ईयर्स में इसने रिटर्न 254%, 254% का रिटर्न दिया है। और इसका जो नेट प्रॉफिट एनुअल है वो 1.04 करोड़ है, यानी 1 करोड़ 4 लाख है। इसके पास जो फ्री कैश फ्लो है वो बहुत है, 124 करोड़ है फ्री कैश फ्लो। इसके पास जो फ्री कैश फ्लो 124 है, तो इसके पास जो डिबेट है ये 91 करोड़ का, ये आराम से चुका सकती है, यानी एक तरह की ये डिबेट फ्री कंपनी है। और ईपीएस भी सही है, छोटी मार्केट कैप छोटा है तो ईपीएस भी इसका बहुत अच्छा है, 53 पैसे है। और प्रोमोटरों की होल्डिंग बहुत है, 74, अच्छी है प्रोमोटर की होल्डिंग, अच्छी है। डिबेट टू इक्विटी भी सही है, 0.73 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.33 है, और करंट रेशियो 1.55 है, और रिटर्न ओवर 1.5 ईयर्स में इसने रिटर्न थोड़ा कम दिया है, 23 दिया है। तो अब हम इसके प्रोस और कॉन्स की बात करते हैं। प्रोस की बात करते हैं पहले हम प्रोस की बात करते हैं तो इसमें क्या है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर्ड, यानी कि इसने जो तिमाही है उसमें बहुत अच्छा किया है। और जो इसके कॉन्स हैं, कॉन्स की बात करते हैं तो थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, यानी कि इसने डिविडेंड पे आउट नहीं किया है, और जो प्रॉफिट है वो उसी को इसने रिपीट किया है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और इनका कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 3.59% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। 3 ईयर्स में इसने जो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लो रहा है। तो अब हम इसके रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं। हेलो गाइस, तो अब हम भाग्यनगर इंडिया के रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं। यह है भाग्यनगर इंडिया और इसके हम रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं। तो जो बनडे में अभी रिट्स का रिटर्न है वो 4.95 है, और जो लो है 52.5 है, और हाई 54.10 पैसे है, ये आज का है। और इसके अब हम 1 वीक की बात करें, इसमें 1 वीक में इसने 1 वीक में डाउन हुआ है, ये देखो -8.5 डाउन हुआ है 1 वीक में। 1 मंथ में, 1 मंथ में इसने 2% का रिटर्न दिया है। लो था 47 और जो हाई था 59 तक गया था। और 1 ईयर्स की बात करें तो इसने 1 ईयर्स में बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है। 1 ईयर्स में इसने 254 का रिटर्न दिया है, जो लो था 13 और जो हाई गया था 59 तक गया था। अगर हम 5 ईयर्स की बात करते हैं तो 5 ईयर्स में भी इसने बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है, 209% तक का इसने रिटर्न दिया है, जो काफ़ी अच्छा है। और जो लो था 11 था और हाई गया था 60 रुपीज़ तक। अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में भी इसने बहुत ही अच्छा दिया है, मैक्सिमम में 600% का रिटर्न दिया है, 602 का। जो लो था वो 4 रुपीज़ था, जो हाई गया था 85 तक गया था। अगर एसआईपी की बात करें, बहुत लोग एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं,
तो SIP में अभी इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, 110% का रिटर्न दिया है। अगर आपने इन्वेस्ट इसमें 6,000 रुपये किया होगा तो इसका वो करंट वैल्यू 12,645 रुपये होगी। तो 5-1 ईयर्स से ये बहुत अच्छा रिटर्न्स दे रहा है। अब हम इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करते हैं। तो इंट्रेंसिक वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, और ये रिटर्न वर्सेस FD रेट, यानी कि ये है कि जो कंपनी जो बैंक हमें FD देती है फिक्स डिपॉजिट, उसके अकॉर्डिंग इसका रिटर्न डाउन है, लेकिन ये रिटर्न जल्दी बढ़ जाएगा क्योंकि बैंक का फिक्स होता है, इस कम स्टॉक का फिक्स नहीं होता है। हाल बढ़ जाएगा तो ये रेड हो जाए ग्रीन हो जाएगा, सॉरी। डिविडेंड यील्ड ये नहीं दे रही है, और एंट्री पॉइंट अच्छा है, यानी कोई भी ओवरबॉट जोन में नहीं है ये, और इसके और रेड फ्लैग नहीं है इस पर भी, कोई भी ASM या GSM लिस्ट में नहीं है। अब हम इसके वो उसके बारे में बात करते हैं, फाइनेंशियल ट्रेड कैसा है इसका। फाइनेंशियल ट्रेड ये देखो, फाइनेंशियल ट्रेड में 2017 में जो इसको प्रॉफिट हुआ था वो 5,35,00,000 का हुआ था, और 2018 में बढ़कर हो गया ये 12,71,00,000, और ये 2019 में डाउन हो गया 6,35,00,000, और 2020 में ये हो गया 1,02,00,000। 2021 का फाइनेंशियल अभी ये इसने आउट नहीं किया है, तो ये काफ़ी अच्छा है और रिटर्न्स भी बहुत अच्छे दे रहा है। 1 ईयर्स में देखो बहुत अच्छा इसने रिटर्न्स दिया है, 254 का। अगर इसमें तुम 1 ईयर्स भी पैसा लगाते हो तो आराम से मतलब 250 गुना इसने रिटर्न दिया है, तो बहुत अच्छा स्टॉक्स है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।